इलेक्ट्रिक बस में बैठता हूँ, बीपुर में बसेज भी आ रही है। डीजल की बस चलाने के लिए 115 रुपए पर किलोमीटर कॉस्ट है, और वही इलेक्ट्रिक की बस, एयर कंडीशन बस चलाने के लिए, बड़ी लग्जरी बस चलाने के लिए 41 रुपए पर किलोमीटर कॉस्ट है, और विदाउट एयर कंडीशन 38 किलोमीटर है। भारत सरकार 50,000 बसें सब ला रही है, आपको भी मिलेगी। मैं आपसे और एक प्रार्थना करूंगा कि 5 साल के अंदर मध्य प्रदेश के स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसेस को पूरी तरह इलेक्ट्रिक पर कन्वर्ट करने का आप ऐलान कर दो, 1 रुपया मत लगाओ। मैं तुमको मार्ग बता दो, बिन पैसे से पूरी मध्य प्रदेश की बसेस इलेक्ट्रिक पर कैसे चलेगी, इसका मॉडल मैं आपको दे देता हूँ। ये डीजल की जरूरत ही नहीं है, और ये कोई स्टेट ट्रांसपोर्ट फायदे में नहीं आती। मैंने बहुत अध्ययन किया, ये डीजल है ना, ड्राइवर लोग बहुत नाराज होते हैं क्योंकि डीजल रहने में उनका बहुत फायदा होता है। और कंडक्टर टिकट नहीं देता, कोई जिंदगी भर कोई देश की कोई ट्रांसपोर्ट प्रॉफिट में नहीं आ सकती। अब मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री, मैंने ऐसा मॉडल तैयार किया कि बस चलेगी इलेक्ट्रिक पर, चोरी नहीं हो सकती, और सामने से एंट्री होगी, बस में टिकट नहीं कटेगा, कार्ड होगा, कार्ड पांठाले पे मिलेगा, और कार्ड दिखाओ बैठो, कार्ड दिखाओ उतरो, और सामने एयर कंडीशन बस रहेगी, कोई टिकट नहीं, कोई कंडक्टर नहीं, आप देखो आपका प्रॉफिट में भी चलेगा, और टिकट रेट 30% सस्ते होंगे, और केवल इंदौर से भोपाल नहीं, अभी दिल्ली से शिमला तक इलेक्ट्रिक लग्जरी बस चल रही है। हमारी इसमें हम लोग निश्चित रूप से जनता को राहत दे सकते हैं, और टिकट रेट, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि आज डीजल बस में जो ट्रांसपोर्ट के टिकट रेट है वो एयर कंडीशन में जनता को घुमाकर 30% कम हो सकते हैं, कोई कठिन नहीं है उसमें। और इसलिए इंदौर को ये जो मास रैपिड ट्रांसपोर्ट चाहिए ये निश्चित रूप से मैं मंजूर करता हूं।